यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। बिहार में प्रशासनिक फेरबदल के बाद लगातार हर जिले में अधिकारियों के विदाई समारोह का आयोजन का दौर जारी है और इस कड़ी में कटिहार पुलिस एसोसिएशन की ओर से एसपी डॉक्टर सिद्धार्थ और डीएम मिथिलेश मिश्रा के सम्मान में विदाई समारोह का आयोजन किया गया। विदाई समारोह का खास आकर्षण एसपी डॉक्टर सिद्धार्थ मोहन और डीएम मिथिलेश मिश्रा की ओर से एक दूसरे के लिए गाए गए दोस्ती के नगमे थी। दिल्ली सीबीआई में जाने से पहले आयोजित विदाई समारोह में कटिहार के एसपी ने शोले के नगमे ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे पर जमकर हवाई फायरिंग की, जबकि बाद में एसपी ने निजी रिश्ते के हवाले को देते हुए इस रियल शोले की दोस्ती आगे भी जारी रखने की बात कही है। आपको बता दें कि कटिहार में प्रशासनिक महकमे में भी बड़ी फेरबदल हुआ है, जिसके तहत पुलिस कप्तान डॉक्टर सिद्धार्थ का स्थानांतरण जहां पर दिल्ली सीबीआई में हुआ है और वहीं निवर्तमान जिला अधिकारी मिथिलेश मिश्रा का तबादला जेल आईजी के रूप में हुआ है। आप भी देखिए ये वीडियो। मुझे आज ये दुख है कि मैं जा रहा हूँ, कोई बात नहीं है, पर मुझे दुख है कि डीएम साहब अपना छोटा कार्यकाल 1 साल 4 महीना करके जा रहे हैं, 4 महीना 3 महीना, पर ये समय भी कैसे कटा 1 साल 2 महीना मुझे पता नहीं चल पाया। ऐसा लगता है कल की ही बात है और मुझे लगता है कि दोस्ती अब लंबी चलेगी। तो शहादाब से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं और यहाँ पर ये बताइए कि जिस तरह से देखा जा रहा है वीडियो में कि किस तरह से खुलेआम जो तमंचे को इस्तेमाल किया जा रहा है, विदाई समारोह है ये, तो क्या इसके ऊपर कोई नजर नहीं रखी गई है? जी, सबसे पहले बता दें कि बिहार में प्रशासनिक फेरबदल के बाद जो है ये फेयरवेल पार्टी का आयोजन किया गया था कटिहार में। कटिहार एसपी, कटिहार डीएम और कटिहार एसडीपीओ का तबादला हुआ है दूसरे जिले में, तो उसे लेकर ये फेयरवेल पार्टी का आयोजन किया गया था। इस फेयरवेल पार्टी में सभी लोग मौजूद थे, कई प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद थे, कई पुलिस बल भी तैनात थे, कई लोगों की भी मौजूदगी थी। उस दौरान एसपी कटिहार जो वर्तमान एसपी है वो काफी खुश हो गए थे और उसकी खुशी का इजहार में उन्होंने इस फायरिंग को अंजाम दे दिया है। करीब 10 राउंड गोलियां उन्होंने चलाई है और उसमें जो है वो गाने को भी अपने डीएम साहब के साथ वो गाना गाते भी नजर आ रहे हैं। तो ये कहा जा सकता है कि कटिहार एसपी का यह भी कहना है कि उन्होंने खुशी का इजहार दिखाने के लिए इस तरह के फायरिंग को अंजाम दे दिया है। उन्हें यह पता नहीं था कि इतना बड़ा असर जो है बिहार पर पड़ सकता है। शादाब, अधिकारियों की मौजूदगी में इस तरह से तमंचे को इस्तेमाल किया जाता है और यहाँ पर मौका था विदाई समारोह का, तो क्या इसके ऊपर कोई एक्शन लिया गया है? जी, फिलहाल इसमें जो बिहार सरकार है उन्होंने इसमें कटिहार एसपी के पदोन्नति को रोक दिया है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया शहादाब हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो यहाँ पर कटिहार का ये मामला है जहाँ पर खुलेआम फायरिंग की जा रही है।